हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय और वेलकम टू माय चैनल विजय लव टिप्स। आज मैं बहुत ज्यादा खुशी का दिन है कि 8000 लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। इसी तरह आपका प्यार बना रहा तो डेफिनेटली और बड़ी यूट्यूब फैमिली हो जाएगी। ऐसे ही मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। डेफिनेटली एक एक कमेंट पढ़ के डीपली उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। और यूट्यूब प्रो के जैसे नहीं हूँ, वीडियो डाल दी मकसद खत्म, प्रॉब्लम को देखता हूँ, कमेंट करता हूँ एक एक को। आज की वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। जिसने आपको छोड़ा बाप उसे छोड़ोगे। 4 मिनट की वीडियो है, आपके 10 साल का रिलेशन हो, 12 साल का रिलेशन हो, कॉल नहीं उठा रहा, बात नहीं कर रहा, छोड़ के चल गया। अब आप उसके लिए नहीं रोगे, वो आपके लिए रोएगा, आप उसे छोड़ोगे। बट स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो पे बने रहना। अगर कोई भी बात वगैरह करनी हो मुझसे तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक लिंक भी इधर ही दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना जबरदस्त। इग्नोर, जिस पार्टनर ने आपको इग्नोर कर दिया, 10 साल का, 12 साल का, 6 महीने का रिलेशन एक झटके में तोड़ के चला गया या चली गई, जो लड़की आपको छोड़ के चली गई या जो लड़का आपको छोड़ के चला गया, 1 मिनट में उसको टाइम नहीं लगा आपको रिलेशन को तोड़ा, ना आपका कॉल अटेंड कर रहा है, ना मैसेज कर रहा है, ना आपसे मिलना ज़रूरी समझ रहा है, और आप उनके लिए रोए जा रहे हो क्योंकि आपको हो गया था वन साइडेड लव। आप उनके बिना रह नहीं सकते, वही आपकी लाइफ लाइन बन चुकी थी। अब आपके रोने के दिन ख़त्म, अब वो रोएगा और आप इसके दर्द से कैसे बाहर निकलोगे, मैं निकालूंगा आपको। डेफिनेटली वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, आपकी लाइफ नहीं बदल देता। वाई टू वेट, क्यों इंतज़ार कर रहे हैं आप उसका? 2-2 महीने हो गए, 15-15 दिन हो गए, 1-1 साल हो गया, 6-6 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए, आप डिप्रेशन में हो, आप टेंशन ले रहे हो, रो रहे हो, उसी को याद करो और अपनी सारी लाइफ ख़राब कर चुके हो आने वाली फ्यूचर की। जो आपका था ही नहीं वो गया, ऑब्वियसली बात है। अगर वो आपका होता, आपका ट्रू लव होता, तो वो आपको छोड़ के जाता क्या? आज अपन किसी से प्यार कर रहे हैं तो मतलब उससे 1 घंटा, 3 घंटा, मतलब 1 दिन बिना बात करे नहीं रह सकते। जैसे आप तड़प रहे हो, वैसी तड़प उसमें होनी चाहिए थी। आपका था रियल लव, ट्रू लव, और उसका था फेक लव, इसलिए वो आपको छोड़ के चल गया। रीज़न कोई भी हो, एक्स वाई जेड, वो रीज़न की मैं बात नहीं कर रहा। अगर ट्रू लव होता तो वो आपको छोड़ के नहीं जाता, भले रीज़न कुछ भी हो। लड़ाई होती है सबके बीच में, पर शॉर्ट आउट भी होता है, पर उसने समझा नहीं और आपको छोड़ के चला गया या चली गई। जो आपका होता वो आपको छोड़ के नहीं जाता, वो आपका नहीं था, आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, इसलिए गया। एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं आपको। फैमिली मेंबर्स होते हैं हमारे, दादा, मम्मी, पापा, इस दुनिया में जो आए उनको एक दिन भगवान के पास जाना, उनकी डेथ हो जाती है बाय द वे, तो अपन 15-20 दिन महीने भर रोते हैं, सैड होते हैं, बट अपन अपना डेली रूटीन करते हैं, नहीं करते हैं। थोड़े दिन में वापस अपन वापसी नहीं ले लेते अपनी जो पहले की लाइफ थी। खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं, नहाते भी हैं, ऑफिस भी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वर्क करते हैं, डेली रूटीन अपन अपनाना ज़रूरी समझते हैं ना। मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स की डेथ होगी तो अपन उनकी जगह अपन वहाँ शमशान में जाके जल के भगवान के पास तो नहीं जा सकते। अपन रो लेते हैं, दुख जता लेते हैं, पर अपन फिर अपनी रिकॉल होके अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट नहीं करते वापस। महीने भर बाद, 20 दिन बाद, 2 महीने बाद अपन लाइफ में आगे बढ़ते, फिर कभी कभार उनको याद कर लेते कि हाँ ऐसा था, ऐसा हुआ था, ये दादा थे या मम्मी थी, पापा थे, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, बट अपन अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखते हैं उस टाइम। अपन उनकी वजह से अपन खुद नहीं मरना पसंद करते। तो आप किसी के लिए क्यों रो रहे हो, क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, आपकी फ्यूचर की लाइफ पड़ी है उसको क्यों बर्बाद कर रहे हो? सिंपल सा डेली रूटीन स्टार्ट अपन कर देते हैं, कोई एक्सपायर हो जाता है तो अब क्यों नहीं कर पा रहे आप? अब क्यों उसके डिप्रेशन में घुल के अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो? पता है वो नहीं आने वाला या नहीं आने वाली, वो छोड़ के चला गया या चली गई, उसके लिए आप रो रहे हो दिन रात, उसको याद कर रहे हो। उसको आपकी कुछ नहीं पड़ी, उसको आपकी 1% वैल्यू नहीं थी। अगर वैल्यू होती तो वो आपको कॉल करता, मैसेज करता, बट वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा और आप उस पर्सन के लिए रो रहे हो जिधर आपकी कदर नहीं थी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी। गॉड गिफ्ट फॉर यू, गॉड ने आपको एक गिफ्ट दिया, भगवान ने एक तोहफा दिया आपको, एक ठोकर दिए गॉड ने, जो आपकी लाइफ ख़राब कर रहा था या फ्यूचर में कर देता उसको भगवान ने वक्त रहते निकाल दिया आपकी लाइफ से। मतलब आपको भगवान ने बताया कि कोई भी अपना कभी भी साथ छोड़ देता है, तो भगवान ने उसको आपकी लाइफ से निकाल दिया। अब संभलना आपको है, अब आप कैसे संभलते हो वो सिचुएशन आपको देखनी है। या तो उसके पीछे लाइफ ख़राब कर लो, या आपको लाइफ में आगे सक्सेस अचीव करनी है। लव करके देख लिया, अब आपने पता चल गया कोई भी हो अपना साथ छोड़ देता है। अब गॉड ने आपको कहा लव टाइम इज़ ख़त्म, एंड हो चुका है,
पैशन इन योर सक्सेस, योर माइंड थिंकिंग। अब आपका पैशन किस चीज़ में है, आपकी मतलब क्या चीज़ में आप बेटर हो कि उससे करके आप सक्सेस अचीव कर सकते हो, जिससे उस लड़के को पता चले आप बेटर देन बेटर थी और हो और रहोगी या रहेगा। तो आपको अपने पैशन को जगाना है और अपने मतलब सक्सेस को अचीव करना है। लव करके देख लिया, ट्रस्ट करके देख लिया, रिलेशनशिप करके देख लिया, कुछ नहीं रखा, वो आपको छोड़ के बीच रास्ते पे चल गया इतना प्यार करने के बाद भी। तो आप सक्सेस में जाओ, लाइफ को बनाओ अपनी। प्यार सब चीज़ नहीं होता, प्यार नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है। वर्ल्ड लेवल पे आपको घूमने का सोचो, इंडिया लेवल पे कितनी सारी देखने लायक चीज़ें, घूमने, इंजॉयमेंट, कितनी दुनिया बहुत हसीन है। बाहर निकलोगे तो आपको अपने पार्टनर की याद ही नहीं आएगी, जो आपको छोड़ के चल गया बीच रास्ते पे, उसको आप याद करने ही नहीं पसंद करोगे जब आप बाहर निकलोगे। दुनिया बहुत प्यारी है और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, सब खराब नहीं होते। एक पर्सन की वजह से घुट घुट के मत बनो मरो, एक कमरे में मत कह दो, बाहर निकलो। दुनिया के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए अच्छी अच्छी है, जिनसे आपका माइंड डेवलप होएगा और अच्छा होएगा। आप रिकॉल कर पाओगे अगर बाहर निकलोगे, बाहर के लोगों से बातचीत करना पसंद करोगे। बस लास्ट लाइन कहूँगा, आपको तो खुश होना चाहिए, अपने भी साथ छोड़ देते हैं बीच रास्ते में, इसलिए आपको कभी किसी पे यकीन करो लिमिट का, हद से ज़्यादा यकीन किसी पे मत करो, नहीं तो तकलीफ़ ही मिलेगी। वही बात है, हद से ज़्यादा अगर आपने पानी पी लिया, प्यास लगी एक गिलास की, पी गए आप पांच गिलास, तो पेट तो दर्द होगा ना, तो हद से ज़्यादा प्यार करोगे तकलीफ़ तो होगी ना। बस ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर हो सके, ताकि जो डिप्रेशन में जी रहे उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इस सिचुएशन से निकल सके। कि पार्टनर ही लाइफ नहीं होती, इसके अलावा भी लाइफ होती है, इसके अलावा बहुत सुंदर लाइफ है, बाहर निकलना चाहिए। प्रगति वगैरह, नेचर वगैरह, हर चीज़ बहुत है, लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं लाइफ में, देखने लायक चीज़ें, कुछ सक्सेस अचीव करने लायक चीज़ें। एक पार्टनर की वजह से एक कमरे में अपने आप को घोट के रोना करना, अपनी सारी मतलब जो इच्छा ड्रीम थे सब मारने नहीं है आपको, आप में लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। तो किसी के पीछे अपनी लाइफ ख़राब मत करो, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सब अपनी लाइफ अच्छे से पहले से रिकॉल होके जिए, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इस वीडियो को देख के क्या सीखते हो, आप निकलते हो या उसी में फंसे रहते हो। जितना हो सके शेयर कर देना, ताकि सबकी हेल्प हो सके। और चैनल पे पहली बार हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना।